जयराम बाबा, वो कहाँ है गा? वो भागमती देवी कौन मेरे थे? आगे मा तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आप मन के हेमंत, जय जोहर सुंगारियो। आज हम लोग आ चुके हैं तपस्विनी देवी जी की घर। यहां पर एक दर्शनीय स्थल है और साथ ही यह देवी भगवान शिव की आराधना में लीन है। करीबन इन्हें 6 वर्ष से अधिक हो चुका है और हम आ चुके हैं इनके दर्शन के लिए। यह 4 जनवरी 2010 से आराधना में लीन थी और अभी चल रहा है 2023 और अभी भी महादेव की आराधना में लीन भक्ति भाव से हैं। और हम इनके लिए लाए हैं फल और साथ ही इनका कमरा मंदिरों के भांति दिखाई दे रहा है जहां ये आराधना करती है भगवान शिव की। और यह ग्राम बैटरी में स्थित है और देखते ही देखते बरसात के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण रास्ते और रहने के लिए समस्या उत्पन्न होती है। इनके गांव के सरपंच इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, जिनके कारण यह बहुत पीछे हो चुके हैं। से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बिलासपुर से लगभग ये पड़ेगा 34 से 35 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन वर्ष हमारा भारतवर्ष है, वो ऋषि मुनियों और तपस्वियों की धरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार धरती को छत्री विहीन करके तपस्वियों और ऋषि मुनियों को दान में दे दिया था। तो बस इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो तपस्वियों और ऋषि मुनियों का ही देश है। और इसी श्रृंखला में हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं ग्राम बैटरी में, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, मल्हार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर एक छोटी सी कन्या है जो 16 साल की उम्र से, जिनका नाम है भागमती कश्यप, ये 16 साल की उम्र से ही तपस्या में, भगवान शिव की तपस्या में तल्लीन हो गई। और आज लगभग उनको 14 से 15 साल हो गया है तपस्या करते हुए। ये कुछ भी नहीं बोलती है, इन्होंने मौन धारण किया हुआ है। जिस प्रकार रायगढ़ के सत्यनारायण बाबा हैं, उन्होंने मौन धारण कर लिया, अपनी जीभ को काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था और तपस्या में बैठ गए थे, बस उसी तरह से यहाँ पर ग्राम बैटरी में एक तपस्विनी है भागमती देवी जी, और वो भी उसी तरह से मौन धारण किए हुए भगवान शिव की तपस्या में लीन है। तो आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं और इनके माता पिता से मिलाते हैं, आपको रूबरू कराएंगे इनके जीवन चरित्र से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम सजीवन कश्यप। आपका माता नाम? गंगोत्री। अच्छा, आप भागमती देवी जी के माता पिता हैं। माता पिता हैं। तो देवी जी को कैसे, मतलब ये हुआ कि तपस्या में जाना है, कैसे, कब से ये तपस्या कर? आप उसको ऊपर वाला जाना है, यहाँ कैसे लाए हैं उसको और हम लोगों के घर हाजिर में यह लड़की यहाँ आकर के बैठे हैं। अच्छा। हम लोग घर में नहीं थे जी, गाँव गए चले। अच्छा अच्छा। तो देवी जी अकेले ही घर में? हाँ, भाई बहनी और रही है ना। अच्छा। भाई बहनी साथ में रहे हैं तो रात के सबके सोते, बस एक बाद में वहाँ ले निकल के आके तो आसन जमा के बैठे हैं। तो 4 जनवरी 2010 के बैठे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने कभी इनको नहीं बोला कि चल वापस घर? ऐसा अरे हम लोग गाँव से आए तो हम कुछ नहीं बोल सके,
पूजा पाठ हरदी विनती प्रार्थना में हम लोगों का भी ध्यान लग गया। अच्छा, तो रात को बोला दो शब्द मेरे को मत देखो, तुम अपने को देखो, मैं तपस्या में लीन हो गया हूँ, कितना दिन रहूँगा क्या करूँगा नहीं बता सकता। तो जिस दिन से उसको कुछ बोलते ही नहीं है। तो जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे, कन्यादान करेंगे, ऐसा भी कुछ सोच रहा होगा? नहीं तो अब तो देवी स्वरूप हो गया तो उसका शादी वादे के तो कोई बात ही नहीं है। जैसे रायगढ़ में सत्यनारायण बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, उसी तरह से भागमती देवी जी भी तपस्या में लीन हो गई है, प्रकार लीन है जी। तो आप लोगों के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हमारी बेटी हमको छोड़कर चली गई है? और हम लोगों को तो बड़ा खुशी है क्योंकि हमारे घर में साधु संत महात्मा का अवतार हो गया है। जी 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 है, तो धन्यवाद है हमको। जैसे सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों तपस्वियों का ही धरती है, उन्हीं का भारतवर्ष पूरे पूरा देश है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं, तपस्वी। तो उसी प्रकार से आपके घर में भी एक तपस्विनी जी ने जन्म लिया, तो ये आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। हाँ बात है, सही बात है जी जी। तो भागमती जी खाती क्या है? फल फूल रात के रात, रात में, रात में, और दिन भर तपस्या में, दिन भर बिल्कुल निराहार, बिल्कुल भी नहीं उठती हैं। वो 14 घंटा उसको हिलना है ना, डोलना है ना, इशारा करना है ना, कुछ करना, कुछ भी नहीं करती, कुछ नहीं। माता जी आप बताइए, आपको कैसा लगा जब आपकी बेटी आकर तपस्या में बैठ गई? अब बने लगा थे अब काय कर, वो जंगल में आके बैठे हम तो। उस टाइम जब आप लोग आए गाँव से, तब जब ये आकर यहाँ बैठ गई थी, तब आपने क्या सोचा? और इनके जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं अभी? अब तीन जने तो शादी हो करके चले गए हैं। अच्छा अच्छा, अब ये चौथा है। इनसे इनसे बड़े हैं वो? हाँ, उन लोग बड़े बड़े हैं, शादी हो करके चल दिए हैं, उनके बाल बच्चा भी हो गए हैं। तो उन लोग आते हैं मिलने के लिए? आते हैं, आते रहते हैं। और दो भाई था इसी के बाद में, एक भाई तो ये दीपावली के दिन गुजर गए, उसको बलात्कारी में फंसा दिया था घर के आदमी लोग। अच्छा अच्छा, तो काब जी के रही हरे के आत्महत्या कर ली। अच्छा। अब बड़े लड़का है तो जगदलपुर में टाइल्स मिस्त्री काम करते हैं। चलिए ठीक। अब यहाँ तो सब तो आनंद कुशल हैं सर, मगर हमारी यहाँ देखो ना रोड नहीं बन पा रहे हैं। जी जी जी। रोड की समस्या, पानी गिरता है तो चप्पल नहीं चलता है। मतलब यहाँ पहुँच मार्ग यहाँ से, ये बताइए ये जगह कौन सा है? ये तो सरकारी जगह है। नहीं नहीं, मतलब ये जो गांव कौन सा है? गांव बैटरी, बैटरी गांव, बैटरी ग्राम है। हाँ, बैटरी। और ये कहाँ पड़ता है? जयपुर पंचायत और मल्हार के मल्हार पास। से मल्हार से कितना दूर है ये? मल्हार से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मल्हार से। हाँ। और बिलासपुर से यहाँ तक? और बिलासपुर से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ जी जी। और यहाँ रोड की समस्या है? रोड की समस्या। रोड के अलावा और क्या चीज़ समस्या है यहाँ पर? और यहाँ तो मैंने अभी यह धर्मशाला भी बनना चाहिए यात्री लोगों के लिए, कभी रात रुक जाते हैं। तो आपके गांव के सरपंच कौन है? हमारे गांव के जयपुर के सरपंच है। मतलब ये आश्रित ग्राम है, बैटरी आश्रित ग्राम है ना? हाँ। कितने वार्ड होंगे यहाँ पर? और 8-9 वार्ड है। अच्छा अच्छा। तो सरपंच को, सरपंच के पास गए थे आप लोग रोड के लिए? सरपंच तो ध्यान ही नहीं देते हैं, पंच भी नहीं ध्यान देते हैं ना, सरपंच ध्यान देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो सरकारी आवास बना है प्रधानमंत्री आवास, वो सब मिल रहा है? ओ, कुछ नहीं मिल रहा है। उम्र कितना होगा आपको? 62 साल। पेंशन मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। पेंशन भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आज चलते हैं तो सरपंच के पास, इनके गाँव के नहीं है ना, आश्रित ग्राम है ना ये, तो सरपंच तो हो गई जी जी। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा और क्या समस्या है यहाँ पर इस गांव में? अब कोई समस्या नहीं है, खाली हमको रोड चाहिए, रोड चाहिए आने जाने के लिए जी। और दो चार आदमी आ जाते हैं यात्री लोग, उनके लिए धर्मशाला चाहिए। और ये नदी में एक छोटा सा पचरी की जरूरत है। अच्छा, ये नदी है ना? ये नदी है लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी? हाँ। मतलब ये लीलागढ़ नदी के जस्ट मेड़ में ही स्थित है, तो बाढ़ आता है तब तो ये डूब जाता होगा ना? वो डैम के नाम से बाढ़ आते हैं, वैसे बाढ़ नहीं आवा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट, एक मिनट होना आगे ठीक है। चलिए ठीक।
चीज़।